गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज हम करेंगे इकोलॉजी का हमारा लेक्चर नंबर 2। फर्स्ट लेक्चर में हमने बेसिक्स डिस्कस करे थे, इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ इकोलॉजी। ओके, तो हम देखते हैं कि अर्थ के ऊपर जो लाइफ है वो हर जगह पे है, है ना। हमने पिछले उसमें भी देखा कि पोलर रीजन्स में भी है, चाहे वो आइस है, चाहे वो एक्सट्रीम टेम्परेचर्स हैं, सॉल्टी कंडीशंस हैं, सब जगह पे लाइफ है, है ना। चाहे वो राजस्थान का डेजर्ट है, मेघालय में इतनी ज्यादा बारिश में, डीप ओशन ट्रेंचेस में, परमाफ्रॉस्ट पोलर रीजन, माउंटेन टॉप, सब जगह पे है। और आपको मानोगे, हमारे इंटेस्टाइन में भी माइक्रोब्स हैं, है ना। हम कहते हैं कि वो हमारे डाइजेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये सर्वाइव कैसे करते हैं, हाउ इज दिस पॉसिबल, है ना। ये सब कैसे हुआ कि कौन सा एनिमल कहाँ पे है, ये कैसे रहते हैं, इसको हम आज बेसिकली डिस्कस करेंगे इन दिस प्रिंसिपल्स ऑफ इकोलॉजी। तो इसमें हमारे पास कुछ मैकेनिज्म हैं, जिसमें सबसे पहला और वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म इज अडेप्टेशन, की जो ऑर्गेनिजम्स हैं ये अडेप्ट करते हैं। अब जैसे कोई हमारे इंटेस्टाइन में रह रहा है, एक ऑर्गेनिज्म बिल्कुल एक्सट्रीमली कोल्ड कंडीशंस में रह रहा है, कोई स्पीशीज जो है एक्सट्रीमली हॉट कंडीशंस में रह रही है, चाहे वो प्लांट है चाहे एनिमल है, तो वो कैसे रह पाते हैं, वो कैसे अडेप्ट करते हैं, दैट इज अडेप्टेशन। वाइल कंसिडरिंग द वेरियस ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल टू ऑर्गेनिजम्स फॉर कोपिंग विद एक्सट्रीम इन देयर एनवायरमेंट, वी हैव सीन दैट सम आर एबल टू रिस्पॉन्ड थ्रू सर्टन फिजियोलॉजिकल एडजस्टमेंट्स। उनकी बॉडी में कुछ एडजस्टमेंट्स होती हैं, ठीक है, कुछ एडजस्टमेंट्स वो कर लेते हैं। अगर जैसे कि एक एनिमल जो है वो एक टेम्परेट रीजन का एनिमल है, एक ट्रॉपिकल रीजन का और एक पोलर रीजन का, तो तीनों का स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा, तो वो कुछ अपने स्ट्रक्चर में, अपने फिजियोलॉजिकल में, अपने बिहेवियर में कुछ ऐसे एडजस्टमेंट्स कर लेते हैं जिनके बेसिस पे वो जो है ऐसे सर्वाइव कर पाते हैं। ओके, तो उन्हीं को हम बोलते हैं दिस इज योर अडेप्टेशन। सो वी कैन से दैट अडेप्टेशन इज एनी एट्रीब्यूट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, चाहे वो मॉर्फोलॉजिकल है, चाहे वो फिजियोलॉजिकल है, चाहे वो बिहेवियर है, जिससे वो सर्वाइव कर सके, है ना, कि वो एक न्यू अपना जहां पे उसके कंडीशंस फेवरेबल नहीं है वो सर्वाइव कर सके, तो वो कोई भी उसका एक एट्रीब्यूट हो सकता है। जो ये अडेप्टेशन है ना, ये आज के डेट के नहीं है, ये धीरे धीरे आई है, धीरे धीरे ये एवोल्यूशनरी टाइम के साथ साथ फिक्स होते गई है। कैसे ये सब कुछ हुआ इसको हम देखते हैं। ओके, सो वी हैव सर्टेन टाइप्स ऑफ अडेप्टेशन, बिहेवियर अडेप्टेशन, स्ट्रक्चरल अडेप्टेशन एंड फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन। बिहेवियर अडेप्टेशन जो बिहेवियरली वो सीखता है, थिंग्स दैट एनिमल डज टू सर्वाइव, एग्जाम्पल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। मेल सेट इन बावर बर्ड क्रिएट्स अ नेस्ट डेकोरेटेड विद ब्लू ऑर्नामेंट्स टू शो फीमेल्स दैट ही इज अ सुपीरियर मेट, है ना। बिहेवियर अडेप्टेशन करता है, देखो वो अपना नेस्ट को ब्लू कलर के ऑर्नामेंट से डेकोरेट करता है, तो ये याद रखना है आपने। आजकल ऐसे क्वेश्चंस बड़े आने लगे हैं यूपीएससी में, है ना। उसके बाद स्ट्रक्चरल अडेप्टेशन, स्ट्रक्चर कुछ वो फिजिकल फीचर करता है, ये तो उसने बिहेवियर अपना करा ना। द स्टिक इंसेक्ट, ये देखो ये स्टिक इंसेक्ट है, लुक्स लाइक लीव्स, जिसको हम कैमोफ्लेजिंग भी बोलते हैं, एंड स्टिक्स टू ब्लेंड इट्स एनवायरमेंट सो इट कैन नॉट बी फाउंड बाय प्रीडेटर्स। ये प्रीडेटर से बचने के लिए बिल्कुल वही वो ले लेता है, कैमोफ्लेज हो जाता है, जो बेसिकली लीव्स का कलर होता है। फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन कौन से होंगे, इंटरनल और सेलुलर फीचर्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म दैट इनेबल देम टू सर्वाइव। कुछ इंटरनल, जैसे हम कहते हैं कि थॉर्न्स हैं उसके ऊपर, डेजर्ट प्लांट्स के ऊपर इंटरनल, तो रेड बेलेड जो स्नेक्स होते हैं वो वेनम प्रोड्यूस करते हैं ताकि प्रेडेटर्स जो है उनसे दूर रहे, तो ये फिजियोलॉजिकल हो गए। ओके, अडेप्टेशन के एग्जांपल्स नॉर्मली पेपर में पूछे जाते हैं, आपको पता होना चाहिए कि कौन सा पर्टिकुलर एनिमल जो है इस जगह पे कैसे अडेप्ट करता है, एनिमल या प्लांट। तो जैसे फॉर एग्जांपल कंगारू रैट की अगर हम एग्जांपल लें, जो कि एक डेजर्ट रैट है, तो ये क्या करता है, ये अपनी बॉडी में, ठीक है, जो भी अपना इसका जो वाटर का नीड होता है, क्योंकि डेजर्ट है पानी इसको मिलता नहीं है, तो ये क्या करता है, ये अपनी बॉडी में ना फैट स्टोर करके रख लेता है बहुत सारी, और जब पानी की कमी होती है तो ये उसी फैट को बर्न करता है, उस फैट को बर्न करने से इसको वाटर मिलता है। देखो वाटर उसका एक बाय प्रोडक्ट है, तो ये फैट स्टोर कर लेगा और जब भी पानी की कमी होगी उस फैट को बर्न करता है, सो दैट वाटर जो है इसको मिल सके, क्योंकि फैट बर्न होने से इसको मिलेगा वाटर। ओके, उसके बिना इसकी जो एबिलिटी है, इसका जो यूरिन है ना, तो ये एक नॉर्मल एनिमल का यूरिन, ह्यूमन बीइंग का यूरिन काफी हम देखते हैं लिक्विड ही होता है, वाटर मिक्स होता है, लेकिन इसका जो यूरिन है वो बहुत ही ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होता है, सो दैट जो वाटर है वो यूरिन के थ्रू बॉडी से बाहर ना निकले। तो इसने ये अडेप्टेशन कर रखी है जो कि आपको याद करनी होंगी। ओके, उसके बाद अगर हम डेजर्ट प्लांट्स की देखेंगे, एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है ये, सिर्फ आप एक कोई भी पेपर उठा लो ना, आपको स्टेट पीसीएस, यूपीएससी, कोई एसएससी का एग्जाम, बैंक का एग्जाम, कहीं पे भी उठा लो, तो ये बहुत एक कॉमन क्वेश्चन है कि डेजर्ट प्लांट्स के क्या क्या अडेप्टेशन हैं।
द थिक क्यूटिकल ऑन देयर लीफ सर्फेस, उनके लीव के ऊपर क्यूटिकल एक वैक्सी सर्फेस होता है, ठीक है। लीव की एक प्रॉपर्टी होती है ट्रांसपिरेशन, ठीक है जी। ट्रांसपिरेशन में क्या करते हैं लीव जो है बेसिकली कि आप जैसे ही वाटर जो है रूट्स को देते हो, रूट से वो लीव वाटर जो है लीव्स तक जाता है और लीव जो है ट्रांसपिरेशन से उस वाटर को इवेपोरेट करते हैं, ओके। तो उनकी बॉडी के ऊपर होते हैं, लीव्स की सरफेस के ऊपर होते हैं स्टोमेटा, तो स्टोमेटा से वो वाटर जो है वो इवेपोरेट होता है। तो वाटर अब आप मानोगे यूकलिप्टस ये पता नहीं कितना कितना पानी जो है इवेपोरेट कर देते हैं, लेकिन अब डेजर्ट प्लांट्स के पास तो पानी की कमी है, तो उनकी लीफ के ऊपर होती है वैक्सी सरफेस। वैक्सी सरफेस की वजह से वाटर जो है वहां से मूव नहीं कर पाता, तो ट्रांसपिरेशन जो है वो बहुत मिनिमम हो जाती है, ओके। जो स्टोमेटा है वो भी बहुत डीप होते हैं ताकि जो ट्रांसपिरेशन कम हो, ओके। उसके बिना जो इनका फोटोसिंथेटिक पाथवे है ना, नॉर्मली आप देखोगे तो हम वैसे आपको इनके डिटेल में नहीं जाने की जरूरत, नॉर्मल जो ट्रीज होते हैं वो जो फोटोसिंथेसिस करते हैं वो दो पाथवेज से करते हैं, C3 एंड C4, जिसमें वाटर लॉस जो है बहुत ज्यादा होता है। और जो है क्यों वाटर लॉस ज्यादा होता है, क्योंकि ये सारा काम दिन में होता है, दिन में स्टोमेटा ओपन होते हैं, स्टोमेटा अगर ओपन होंगे तो वाटर डेफिनेटली वेपोरेट होगा। तो ये जो प्लांट्स होते हैं ना डेजर्ट प्लांट्स, ये C3 C4 ना फॉलो करके एक नया फोटोसिंथेटिक पाथवे फॉलो करते हैं जिसका नाम है कैम या फिर क्रस्टेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म, ठीक है। आपको उसमें नहीं जाना, तो कैम पाथवे होता है। तो ये कैम पाथवे जो है बेसिकली इसमें जो स्टोमेटा है, ठीक है, वो रात को खुलते हैं, ठीक है, रात को ओपन होते हैं, दिन में क्लोज रहते हैं। तो रात को ओपन होते हैं, रात को टेम्परेचर वैसे थोड़ा ठंडा होता है ना, तो वाटर लॉस नहीं होता, ओके। तो ये याद रखना है आपने। सम डेजर्ट प्लांट्स जैसे वो पंचे की अगर हम एग्जांपल है, जैसे इसकी उसमें देखा है मोस्टली में इनके वहां पे स्पाइन्स होते हैं। स्पाइन्स क्या होते हैं, जो लीव्स हैं, लीव्स ही स्पाइन्स में रिड्यूस हो रखे हैं। ये जो स्पाइन्स है ना, ये लीव्स हैं, ये जो आपको ग्रीन ग्रीन दिख रहा है दिस इज एक्चुअली स्टेम। तो लीव्स छोटे होंगे तो ट्रांसपिरेशन नहीं होगा, क्लियर। उसके बाद कुछ और एग्जांपल्स हम देखते हैं कि एलन्स रूल होता है, वेरी इंपॉर्टेंट। मैमल्स, मैमल्स क्या होते हैं, जो कि यंग वंस को बर्थ देते हैं, ठीक है। नॉन मैमल्स कौन से होंगे, जो एग्स ले करेंगे, डन। तो मैमल्स क्या है, मैमल्स फ्रॉम द कोल्डर क्लाइमेट जनरली हैव शॉर्टर ईयर्स। ये देखो पोलर बेयर, ये सारे ही जितने भी कोल्डर इनके होते हैं, इनके बहुत ही ज्यादा शॉर्ट ईयर्स होते हैं, क्योंकि ईयर्स और लिम्स जो है छोटे होंगे, तो उससे क्या होगा, हाथ पैर छोटे होंगे, हीट लॉस जो है वो बॉडी से मिनिमम होता है, ओके। तो इसको हम बोलते हैं एलन्स रूल। इन पोलर सीज एक्वाटिक मैमल्स लाइक सील्स, दे हैव अ थिक लेयर ऑफ फैट बिलो देयर स्किन, तो वो थिक लेयर ऑफ जो फैट होती है वो उनको बॉडी को हीट देती है, ओके। तो ये भी इनके अडेप्टेशन है। पोलर बियर के देखो क्या क्या अडेप्टेशन है, दे हैव स्मॉल ईयर, दिस हेल्प टू कीप द बॉडी हीट फ्रॉम एस्केपिंग, बॉडी जो है हीट एस्केप नहीं करती। थिक वाइट फर है इनकी, तो ये स्नो में इजिली ब्लेंड हो जाते हैं और वार्म रहेंगे, और इनके जो है पॉज हैं वो भी थिक और रफ हैं, ओके। और उनके जो है लेग्स स्ट्रॉन्ग हैं, दे हेल्प देम स्विम थ्रू द आइसी वाटर। तो ये अडेप्टेशंस हैं इनकी, ठीक है जी। उसके बाद हम कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं अडेप्टेशंस की। एग्जांपल्स आपको सारी करनी पड़ेंगी अडेप्टेशंस की, क्योंकि ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है। आर्की बैक्टीरिया जब अर्थ पे बैक्टीरिया आए, तो बैक्टीरिया आने से भी पहले जो बैक्टीरिया आए दैट वर आर्की बैक्टीरिया, जो मोस्ट प्रिमिटिव बैक्टीरिया है हमारे अर्थ के। इनके बारे में क्या स्पेशलाइजेशन है इनकी, कि ये एक्सट्रीम कंडीशन में सर्वाइव करते हैं, ओके। तो जब अर्थ पे आइस एज रहा होगा तो उस टाइम पे कोई लाइफ तो उस टाइम पे कुछ बैक्टीरिया आए, फिर अर्थ पे जब बहुत ज्यादा एक्सट्रीम कंडीशंस में बैक्टीरिया आए, धीरे धीरे उन्होंने मॉडिफाई किया अर्थ को, तो दैट इज आर्किया। एक्सट्रीमोफाइल्स एक्सट्रीम कंडीशंस में रहेंगे। इनके आगे टाइप्स हम देखते हैं, थर्मोफाइल्स जो बहुत ही ज्यादा हाई या लो टेम्परेचर पे रहेंगे, हाई टेम्परेचर पे रहेंगे, दैट इज 60-80 डिग्री। एसिडोफाइल्स जो कि एसिडिक पीएच पे रहेंगे। जीरोफाइल्स जो एक्सट्रीमली ड्राई कंडीशंस में ग्रो करेंगे, ओके। जीरो एक्सी वर्ड आप याद रख लो, ये हम बायोलॉजी में जीरो फॉर एक्सट्रीम लो कंडीशंस के लिए यूज करते हैं। हेलोफाइल्स जो कि बहुत ज्यादा सॉल्टी कंडीशंस में रहेंगे। तो ये एक तरीके से बेसिकली हमें एवोल्यूशन ऑफ अर्थ बताते हैं, कि ऐसी कंडीशंस कभी अर्थ पे रही होंगी ना, अभी तभी ये लोग हैं, तभी ये बैक्टीरिया हैं, तो ये धीरे धीरे ऐसे इवॉल्व हुए। दे फ्लरिश इन हॉट स्प्रिंग्स एंड डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट्स वेयर टेम्परेचर फार एक्सीड 100 डिग्री, इतने ज्यादा भी वो कर सकते हैं। तो ये हाइपोथर्मल फाइल क्या होता है, जो 60 डिग्री तक रहे, एक्सट्रीमो फाइल जो 100, ये आप देख लेना, ठीक है, इसकी आप वो देख लेना। ऐसा क्यों, क्योंकि इनकी बॉडी में जो प्रोटीन स्ट्रक्चर होता है उसमें
वो हाइपर थर्मोस्टेबिलिटी वो करता है। अगर हम चले जाएं 100 डिग्री में, हमारी बॉडी का प्रोटीन स्ट्रक्चर डीनेचर हो जाएगा, लेकिन जो आर्किबैक्टीरिया की बॉडी का प्रोटीन स्ट्रक्चर है वो काफी ज्यादा जो है इस थर्मल स्टेबिलिटी को फॉलो करता है। ठीक है जी, तीन तरह के आर्किया होते हैं, मिथेनोजेंस, मिथेन जो है जो कि ये मिथेन प्रोड्यूस करते हैं वो मिथेनोजेंस हो गए, मिथेनो जो कि मिथेन प्रोड्यूस करेंगे, या आपका डीप स्वैम्स या फिर जहां पे भी ऑक्सीजन नहीं होती ना एनारोबिक कंडीशंस में, वहां पे आपको मिलेंगे। ओके, थर्मोफाइल्स एक्सट्रीम हीट और कोल्ड में रहेंगे। ओके, हेलोफाइल्स सॉल्टी कंडीशंस में रहेंगे। कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं, डेजर्ट लिजर्ड की एग्जांपल देखते हैं। ओके, तो ये क्या करती है, ये बेसिकली अपने आप को बॉडी टेम्परेचर को कांस्टेंट रखती है। ओके, डेजर्ट लिजर्ड बॉडी टेम्परेचर को कांस्टेंट रखती है। दे बास्क इन सन एंड एब्जॉर्ब हीट व्हेन देयर बॉडी टेम्परेचर ड्रॉप्स बिलो द कंफर्ट जोन, जैसे ही टेम्परेचर ज्यादा हो गया शेड की तरफ को चली जाएगी। ओके, तो ये भी इसकी अडेप्टेशन है। अडेप्टेशन ऑफ चीता, चीता बहुत न्यूज में है भाई, इसकी अडेप्टेशन जरूर पढ़ के जाओ। चीता स्लाइट फ्रेम एंड लॉन्ग लेग्स अलाउ इट टू रीच स्पीड्स ऑफ अप टू 70 माइल्स पर आवर एंड चेंज डायरेक्शन विद ग्रेट एजिलिटी डिस्पाइट दैट स्पीड, क्योंकि इसकी जो लेग्स हैं वो लॉन्ग हैं। चीता स्पॉट्स हेल्प इन ब्लेंडिंग इनटू टॉल ग्रास, ये जो स्पॉट्स है ना इसके, तो ये टॉल ग्रास में ब्लेंड हो जाएगा। ठीक है, और ये जो बेसिकली आप कहते हैं केसिया ट्री के नीचे इसको ये रेस्ट कर लेता है। दे आर द ओनली कैट दैट डू नॉट हैव रिट्रेसेबल क्लॉज। द वेरी लॉन्ग टेल, इनकी लॉन्ग टेल इतनी बड़ी क्यों होती है, इनकी बॉडी को बैलेंस करने के लिए। ठीक है, तो ये अडेप्टेशंस हैं। अडेप्टेशन ऑफ कंगारू, दे हैज अ ह्यूज बैक फीट एंड अ लॉन्ग टेल एज अ काउंटर बैलेंस अलाउ कंगारू टू जंप अप टू 30 फीट इन अ सिंगल लीप। ओके, तो ये बड़ी सी बैक, और ये बेसिकली दे आर मार्सुपियल्स। मार्सुपियल्स मतलब इनके जो ये जो इनके बच्चे होते हैं ना, तो उनको ये अलग से इनकी बॉडी में एक पाउच होता है, तो उसी में पहले पहले बच्चों को उसी में रखते हैं, जब वो बड़े हो जाते हैं फिर उनको बाहर ये वो करते हैं। द फीमेल्स कैरी द जॉयस इन अ पाउच ऑन द फ्रंट ऑफ देयर बेलीज। न्यू बॉर्न्स वेट लेस देन 1/10 ऑफ एन आउंस एट द बर्थ एंड हैव टू क्रॉल अप इन टू देयर मदर्स पाउच टू नर्स एंड ग्रो। आप चेक करो और कौन कौन से एनिमल्स हैं, क्या कोई और एनिमल में है ये पाउच वाला मैकेनिज्म, चेक करके मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। ठीक है, उसके बाद कैमल्स की, ये भी याद रख लो है ना, इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ सकते हैं। तो कैमल्स का क्या क्या अडेप्टेशन होता है, लॉन्ग आई लैशेस एंड थिन स्लिट नॉस्ट्रल्स दैट कैन क्लोज टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम बोइंग सैंड। ठीक है, तो ये सैंड से बचने के लिए। फैट फिल्ड हम्प होता है। ओके, तो ये फैट फिल्ड वही जैसे उसमें था डेजर्ट रैट में, कि जैसे ही पानी की कमी होगी तो यहां से ऑक्सीडेशन हो जाएगा और पानी इनको मिल जाएगा। एक्सट्रीमली लॉन्ग लार्ज इंटेस्टाइन होता है वाटर को रीअब्सॉर्ब करने के लिए। लॉन्ग मस्कुलर लेग्स होते हैं वॉक करने के लिए। पैडेड फीट होते हैं। तो ये सारे इनके अडेप्टेशन हैं, ये आपको करने पड़ेंगे। एक हम देखते हैं कैमोफ्लेजिंग। कैमोफ्लेजिंग क्या होता है कि आप जो है एनिमल जो है वो ब्लेंड हो जाता है एनवायरमेंट में, जैसे यहाँ पे। तो बेसिकली ये करते क्यों है, ये प्रीडेटर से बचने के लिए है ना, प्रीडेटर्स से बचने के लिए कि कोई आके इनको अटैक ना करे, छिप जाने के लिए, तो ये करते हैं। तो ये भी एक तरह से अडेप्टेशन है। आपको इन एनिमल्स के नाम याद कर लेने चाहिए, कौन कौन से एनिमल्स जो हैं वो इस प्रॉपर्टी को अडॉप्ट कर सकते हैं। ओके, आपको कोई भी पेपर में ये पूछेंगे डेफिनेटली। कैटरपिलर, वॉकिंग स्टिक, एटलस मॉथ, ओके, एंड उसके बाद ग्रास होपर, पोलार बियर, कंगारू रैट, अमेरिकन टोड, ये सारे आपको करने चाहिए। कुछ बर्ड्स भी अडॉप्ट करते हैं। द एबिलिटी टू फ्लाई अलाउ बर्ड्स टू कवर ग्रेट डिस्टेंसेस एंड बिकॉज फ्लाइट जनरेट्स अ लॉट ऑफ हीट, बर्ड्स आर नेचुरली अडेप्टेड टू हाई बॉडी टेम्परेचर। इनका बॉडी टेम्परेचर हाई होगा, फ्लाइट की वजह से ये एक्सट्रीमली कोल्ड और उसमें भी रह जाते हैं। फेदर्स भी इनकी काफी रोल प्ले करते हैं। सम बर्ड्स डिसिपेट हीट फ्रॉम देयर सराउंडिंग्स। मेनी बर्ड्स आर एक्टिव प्राइमरली एट डॉन एंड विद अ फ्यू आवर्स ऑफ सनसेट। ओके, कुछ एनिमल्स की अडेप्टेशन फर का तो हमने देख लिया। ठीक है, जो भी वार्म टेम्परेचर पे शेल कहां पे होंगे। ठीक है, मोस्ट एनिमल्स यूज दिस शेल एज अ प्रोटेक्शन मैकेनिज्म अगेंस्ट प्रीडेटर। स्पाइंस, कुछ एनिमल्स स्पाइन, ये भी अगेन आपका बेसिकली प्रीडेटर से बचने के लिए। टीथ होंगे फूड को ब्रेक डाउन करने के लिए। क्लॉ एक स्ट्रक्चरल अडेप्टेशन है जैसे ईगल्स की, तो बेसिकली ये प्रे को हंट करने के लिए। ठीक है जी, हाउ डू जिराफ्स हैव सच लॉन्ग नेक्स। तो जिराफ्स की जो लॉन्ग नेक्स हैं ये क्यों हुई हैं, ये हम आगे देखेंगे। ये प्योरली जेनेटिक्स की वजह से हुई है, आगे इसमें एग्जाम्पल में हम इसको डिस्कस करेंगे।
ओके, नेक्स्ट जो प्रिंसिपल है दैट इज योर वेरिएशन। तो हमने अडैप्टेशन तो पढ़ लिया कि अडैप्टेशन बेसिकली जो रिस्पॉन्सिबल है इनको अलग अलग उसमें सर्वाइव करने के लिए, लेकिन फिर हम देखते हैं कि कई तरह की हमारे पास स्पीशीज अवेलेबल है नेचर में, तो ये कैसे हुई, ये है वेरिएशंस। वेरिएशंस क्या होते हैं कि धीरे धीरे जो चेंजेस हैं उनके जेनेटिक मेकअप में इंड्यूस हो जाना। ओके, जैसे यहां से आपको क्लियर हो जाएगा, देखो ये वेरिएशन ऑफ आई कलर, ये ह्यूमंस में हम देखते हैं कि आई कलर है ना, ब्लू, सेफायर ब्लू, टर्कोइज, ग्रीन, ग्रे, ब्राउन, हनी है ना, और ऐश्वर्या राय एंड ये सारी चीजें जो हैं। तो बेसिकली अब ये है तो सभी का आई, आई काम एक ही करते हैं, लेकिन ये वेरिएशन ऑफ आई कलर होता है, जो आई कलर इतना अलग अलग क्यों है, ये हमारे जीन्स की वजह से है, हमारे डीएनए की वजह से है। ओके, ऑर्गेनिज्म एक ही है, ऐसा नहीं है कि ग्रीन आई वाला कोई अलग ही, उसको ग्रीन आई वाला जो होगा वो अलग ही बेसिकली स्पीशीज होगा, होगा भी ह्यूमन ही, अभी तक वो एक ही स्पीशीज में है। ये ध्यान से वर्ड सुनो आप स्पीशीज, आगे चल के इसमें थोड़ा सा हम चेंज करने वाले हैं। तो वो वेरिएशंस एक ही सिंगल स्पीशीज में अलग अलग चीजें। ओके, तो जेनेटिक मेकअप में हम लोग हम सारे अलग ही अलग क्यों दिखते हैं, क्योंकि हमारे जो डीएनए है उसमें थोड़े बहुत चेंजेस हैं। वो चेंजेस क्यों हैं, ये मैंने बायो के लेक्चर्स में एक्सप्लेन किया है कि बेसिकली जो डीएनए का सीक्वेंस होता है ना, एटीसीजी, तो जैसे एटीसीजी आप उस लेक्चर में डिटेल में जाके चेक कर सकते हो, ये अलग वेरी कर जाता है, किसी में यहाँ पे पहले नंबर पे होगा, किसी के ई ए हो सकता है, कुछ भी यहाँ पे ऐसे हो सकता है। ओके, तो वेरिएशंस, लेकिन इसके साथ साथ ये भी याद रखना है कि वेरिएशंस का रीजन सिर्फ और सिर्फ आपका जेनेटिक ही नहीं हो सकता, जीन अरेंजमेंट ही नहीं हो सकता, वेरिएशंस का एक रीजन जो है वो एनवायरमेंट भी है। ओके, तो देखो ये जैसे ये वाली है, ये बटरफ्लाइज की एग्जांपल है, फॉर ऑल द थ्री स्पीशीज ऑफ बटरफ्लाई विंग कलर एंड पैटर्न वेरीज डिपेंडिंग ऑन द सीजन ड्यूरिंग विच दे वर बोर्न। ये देखो ठीक है कि वो सीजन के ऊपर डिपेंड करता है, ये देखो एक ही स्पीशीज में वेरिएशन, एक ही, अब ये जेनेटिक तो है नहीं, ये इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं। द बटरफ्लाइज, ये ऊपर वाले तीनों के तीनों, एट द टॉप वन बॉर्न अंडर डिफरेंट टेम्परेचर्स एंड लाइट कंडीशंस, ये अलग कंडीशन से इनकी अलग, तो ये देखो कितना वेरी कर गया एक ही स्पीशीज में, तो इन्वायरमेंटल भी हो सकता है। ठीक है, वेरिएशन ऑफ आई कलर, जीन फ्लो एक बहुत बड़ा रीजन है वेरिएशन होने का। तो जैसे ये दो अलग अलग तरह की स्पीशीज थी, तो ये धीरे धीरे करके इधर मूव कर गई, इधर मूव कर गई, ये यहाँ पे ये दोनों अगर ब्रीड कर जाएं तो एक नई ही स्पीशीज बन के आ जाएगी, है ना, तो वो भी एक तरह से वेरिएशन है। मूवमेंट ऑफ एलील्स फ्रॉम वन पॉपुलेशन टू अनदर इंक्रीजेस वेरिएशन इन पॉपुलेशन, कीप डिफरिंग पॉपुलेशन सिमिलर। अगर ये ना हो, अगर हम ये रोक दें, इसको हम जीन फ्लो कह रहे हैं, अगर हम ये रोक दें तो कोई वेरिएशन नहीं होंगे, पॉपुलेशन अलग अलग रहेंगे, यही पे अडेप्ट कर लेंगे, ये यहीं पे अडेप्ट कर लेंगे। ठीक है, म्यूटेशंस, म्यूटेशंस क्या होते हैं, जैसे हमने बोला वेरिएशंस तो एनवायरमेंट की वजह से भी आ सकते हैं, जेनेटिक चेंजेस की वजह से भी आ सकते हैं, म्यूटेशन सिर्फ और सिर्फ जेनेटिक चेंजेस की वजह से आएंगे। म्यूटेशंस आर सडन चेंज, ठीक है, एक चेंज हो जाना हमारे डीएनए सीक्वेंस में, तो उसको ही हम म्यूटेशंस बोलेंगे। आर चेंज इन जेनेटिक मटीरियल दैट रिजल्ट्स फ्रॉम एन एरर कॉजेज न्यू जीन्स। ये देखो जैसे यहाँ पे आप बिल्कुल, आपको बहुत डिटेल में नहीं जाना, आप एग्जाम्पल से समझ लो, टी ए ए सी है यहाँ पे, है ना, और यहाँ पे टी ए ए सी के बाद पांचवें नंबर पे क्या है, टी है। अगर आप नीचे देखोगे, अगर म्यूटेशन कहें हम, टी ए ए सी की जगह पे यहाँ पे टी की जगह पे क्या आ गया, सी, तो दिस इज अ म्यूटेशन, इसको हम म्यूटेशन बोलेंगे। और ये चीज म्यूटेशन तभी आएगी, नो डाउट इसके रीजंस एनवायरमेंटल हो सकते हैं, लेकिन वो चीज हम म्यूटेशन तब बोलेंगे जब वो जेनेटिक्स में चली जाएगी, जब वो उसके डीएनए में चली जाएगी। ओके, तो यही एक डिफरेंस है, वेरिएशन एक लार्जर टर्म होगी और जो म्यूटेशन है वो उसका एक तरह से टाइप हो गया। ओके, तो देखो म्यूटेशन के टाइप्स जो है, रेडिएशन, यूवी रेडिएशन से भी म्यूटेशन होती हैं, ये हमारे जेनेटिक उसको जाके मेकअप को चेंज करती हैं। ठीक है, ये नहीं है कि बॉडी में चेंज होना, नो, डीएनए में चेंज हो जाना। एक्सरेज भी कर सकते हैं, सिगरेट स्मोक्स भी कर सकते हैं, म्यूटाजेनिक केमिकल्स, और ये ऐसे फिर बॉडी में केमिकल्स जाते हैं, फिर वो कैंसर जीन्स को एक्टिवेट कर देते हैं। हम कहते हैं ना कैंसर हो गया स्मोकिंग की वजह से, तो वो कैंसर जीन्स को एक्टिवेट कर देंगे। कुछ केमिकल्स हैं, बेंजोइल परोक्साइड, जो कि कॉमन इंग्रेडिएंट है एक्ने प्रोडक्ट्स में, देखो जो एक्ने ट्रीटमेंट ये कॉस्मेटिक्स में आते हैं ना, तो वहां पे बेंजोइल परोक्साइड जो ये है, ये भी आपको बेसिकली म्यूटेशंस कर सकता है। नाइट्रेट एंड नाइट्रेट प्रिजर्वेटिव जो हॉट डॉग में हम यूज करते हैं, तो ये चीजें सकानी बंद करो। बारबेक्यूइंग में भी जो बेसिकली हमारे केमिकल्स यूज होते हैं, वो भी म्यूटेशंस कॉज कर सकते हैं।
ठीक है जी। बाकी कुछ इन्फेक्शियस, कुछ वायरसेस भी हैं, कुछ बैक्टीरिया भी हैं। जो हेलिकोबैक्टर पायरली बैक्टीरिया है जो कंटेमिनेटेड फूड में होता है, ये भी म्यूटेशंस कॉज कर सकता है, और एचपीवी वायरस भी म्यूटेशंस कॉज कर सकता है। ठीक है, कितनी अच्छी ये आपको पिक्चर है, और ये काफी इंपॉर्टेंट, कई इसमें देखो कितने क्वेश्चन बन जाएंगे। बेंजोइल परऑक्साइड कहाँ यूज होता है ना, म्यूटेशन से कुछ लेना देना भी नहीं है इतने प्रोडक्ट्स में। क्लियर, सोर्सेज ऑफ, अब देखो वेरिएशंस की आगे टाइप्स हो गई, म्यूटेशन एंड रिकॉम्बिनेशन। म्यूटेशन किसी में भी हो सकते हैं, म्यूटेशन बेनिफिशियल भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, न्यूट्रल भी हो सकते हैं, कोई फर्क ना ही पड़े ऐसा भी हो सकता है। रिकॉम्बिनेशन बेसिकली जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है, जब मेल और फीमेल के जीन्स आपस में आके मिलते हैं, उसमें से अगर कुछ चेंज हो जाता है तो दैट वहां पे भी वेरिएशन जो है होता है। अब हम हमारे पेरेंट्स की तरह थोड़ा दिखते हैं, हम एक अलग ही कॉम्बिनेशन बन के निकलते हैं दोनों का मिक्स, दैट इज रिकॉम्बिनेशन। डन, नेक्स्ट इज अडैप्टिव रेडिएशन। देखो अडैप्टिव रेडिएशन का क्या मतलब होता है कि ये एक स्पीशीज थी, फाउंडर स्पीशीज, ओके, तो ये कॉमन बर्ड स्पीशीज थी, तो किसी कोई भी रीजन की वजह से, कोई भी एक रीजन की वजह से ये जो स्पीशीज हैं, इसमें सपोज ये 100 थे, ठीक है, इसमें से 20 फ्लाई करके कहीं दूर चले गए, 20 एशिया चले गए, 20 अफ्रीका चले गए, 20 यूरोप चले गए, ठीक है, 20 जो है वो नॉर्थ अमेरिका चले गए, 20 अंटार्कटिका चले गए, तो ऐसे ऐसे करके ये 20 इक्वेटर पे चले गए, ऐसे ऐसे ये डिवाइड हो गए। अब अंटार्कटिका में कंडीशंस अलग हैं, है ना, और इक्वेटर पे कंडीशंस बिल्कुल ही अलग हैं, तो अब इनको वहां पे सरवाइव करने के लिए अपनी बॉडी को थोड़ा बहुत चेंज करना पड़ा टाइम के साथ, जैसे जैसे इनकी जनरेशन आती गई इनको अडेप्ट करना पड़ा, और अब जाके बहुत सालों बाद, लाखों सालों के बाद ये ऐसे अडेप्ट हो चुके हैं कि ये अलग ही स्पीशीज हमें लगती है। हम कहते हैं ये अलग ही स्पीशीज है, हम एक स्पीशीज इसको मानते ही नहीं है, ठीक है, सो दिस इज अडैप्टिव रेडिएशन। तो ये देखो ये फाउंडर स्पीशीज है, अब इसको खाने के लिए नेक्टर और इंसेक्ट्स मिले तो इसने अपनी पीक ऐसे बना ली, इसको खाने के लिए इंसेक्ट्स मिले इसको ऐसे बनानी पड़ी, ठीक है, इसको इंसेक्ट सीड्स और तीनों चीजें खानी है, इसको सिर्फ नेक्टर ही मिला जहां पर ये पहुंचे होंगे, ठीक है। तो ये एवोल्यूशन के टाइम पे ऐसे ऐसे हुआ। इन एवोल्यूशनरी बायोलॉजी अडैप्टिव रेडिएशन इज अ प्रोसेस इन विच ऑर्गेनिजम्स डाइवर्सिफाई रैपिडली फ्रॉम एन एंसेस्ट्रल स्पीशीज इनटू अ मल्टीट्यूड ऑफ न्यू फॉर्म्स, अलग अलग फॉर्म्स में ये बन जाते हैं, ओके, इट इज एन एवोल्यूशन ऑफ सिंगल स्पीशीज इनटू सेवरल न्यू स्पीशीज। मैंने बोला ना एक ही स्पीशीज से अलग अलग हो गए, और वो जो अलग, वो अलग क्यों हुए, क्योंकि वो स्पीशीज अलग हो गई ड्यू टू ज्योग्राफिक एरियाज, ठीक है जी। और ये होता क्यों है, कई रीजंस हैं जिस वजह से ये हो जाता है, और फाइनली ये अलग होते होते इतने अलग हो गए कि नई स्पीशीज ही बन गई जिसको हमने बोला स्पीशिएशन। तो ये प्रोसेसेस हैं, है ना, वेरिएशंस हुई, फिर अडैप्टेशंस हुई, फिर अडैप्टिव रेडिएशन हुई, फिर जाके फाइनली स्पीशिएशन हुई। स्पीशिएशन मतलब वो एक नई ही स्पीशीज बन के आ गई। इट इज अ प्रोसेस बाय विच न्यू स्पीशीज आर फॉर्म्ड एंड एवोल्यूशन इज द मैकेनिज्म विच, ऐसा नहीं है कि आज गए कल नई स्पीशीज बन जाएंगी, नो, ये एवोल्यूशन है, ये टाइम लेगा, लाखों साल ले लेगा, ठीक है। एज अ स्पीशीज कंप्राइज मेनी पॉपुलेशन, अब ये हम कहेंगे ये एक स्पीशीज की कई सारी पॉपुलेशन हो सकती हैं अलग अलग, ओके, जो कि एक दूसरे से माउंटेन, ओशन, रिवर, इन सब की वजह से सेपरेट अलग अलग हो रखी हैं। इसकी आपको एग्जांपल्स मैं यहाँ पे दिखाती हूँ। ये देखो कॉमन एंसेस्टर, जेनेटिक वेरिएशन, ये देखो कॉमन एंसेस्टर था, और अब देखो ये एवोल्यूशन की वजह से एक ही कॉमन, हम कहते हैं ना बिग कैट्स, तो कैट्स से ही टाइगर्स, लायंस, ये सारी अलग अलग स्पीशीज जो है बन के अपने पास आ गई है। लेकिन हम अब कैट और टाइगर को एक स्पीशीज थोड़ा काउंट करते हैं, हम अलग अलग करते हैं ना, लेकिन एंसेस्टर उसका कैट ही था। तो ये एवोल्यूशन से धीरे धीरे जो है चेंजेस हुए। डन, देखो स्पीशिएशन की कुछ टाइप्स हैं, तो जैसे एलोपेट्रिक, ये आपको पेपर में पूछ सकते हैं कि एलोपेट्रिक स्पीशिएशन कब होगा, एक ओरिजिनल पॉपुलेशन थी उनमें कोई बैरियर बन गया, सपोज ये कॉन्टिनेंट में रह रहे थे, कॉन्टिनेंट बीच में से टूट गया, डाइवर्जेंस होगी, आधा पोर्शन इधर चला गया, आधा पोर्शन इधर, बीच में आ गया ओशन, जैसे कि हम ज्योग्राफी में पढ़ते हैं कि अफ्रीका और इधर साउथ अमेरिका और यूरोप के साथ, अफ्रीका के साथ हुआ है ना, साउथ अमेरिका और अफ्रीका के साथ हुआ कि वो अलग अलग हो गए, बीच में आ गया वाटर और ये अलग अलग हो गए, तो बैरियर बन गया, बैरियर बन के नई स्पीशीज जो है बन गई, तो ये ज्योग्राफिकल बैरियर बन गया। तो आपको पेपर में पूछ सकते हैं कि एलोपेट्रिक जो स्पीशिएशन है ये किस वजह से होती है, दिस इज ड्यू टू ज्योग्राफिकल बैरियर। पेरीपेट्रिक क्या होती है, एक स्पीशीज पड़ी थी, कोई नई स्पीशीज एंटर कर गई, ओके, कोई नई स्पीशीज एंटर कर गई, उसने आके सारा सिस्टम इनका चेंज कर दिया, कोई ये अकेली स्पीशीज थी, ए स्पीशीज थी, ये सारे रह रहे थे, कोई बी स्पीशीज आ गई, ए बी ने आपस में एक दूसरे के साथ जो ब्रीडिंग करनी स्टार्ट कर दी और नई ही स्पीशीज बन के आ गई,
ओके, और ये नई स्पीशीज फिर अलग ही हो गई। पैरापेट्रिक और पैरिपेट्रिक में दोनों ही सेम है, नई स्पीशीज आई लेकिन ये बीच में ही रहेगी, मिक्स होके रह रहे हैं, अलग अलग नहीं रह रहे। पैरिपेट्रिक में अब वो अलग अलग रह रहे हैं। सिम्पेट्रिक में एक ही स्पीशीज में म्यूटेशंस हो गई, बैठे बैठे, ठीक है, स्पीशीज 100 स्पीशीज थी, 100 में से 20 के को यूवी रेडिएशन टारगेट कर गई, उनमें वेरिएशन हो गई, बैठे बैठे एक ही स्पीशीज में वेरिएशन होगी, बाहर से कोई नहीं आया, ठीक है। नेक्स्ट, अब जो फाइनली ये सारी चीजें कल्मिनेट कहां पे होती हैं, एवोल्यूशन में। एवोल्यूशन इज द चेंज विच गिव राइज टू न्यू स्पीशीज। एवोल्यूशन में सारे प्रोसेसेस इन्वॉल्व हुए, नेचुरल सिलेक्शन भी, अडेप्टेशन भी, वेरिएशन भी और स्पीशिएशन भी। तो एवोल्यूशन के लिए, जब भी हम एवोल्यूशन की बात करते हैं तो हमें एक साइंटिस्ट के बारे में पढ़ना चाहिए, दैट इज चार्ल्स डार्विन एंड एल्फ्रेड विलिस, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है दैट इज चार्ल्स डार्विन। तो चार्ल्स डार्विन जो है, इनकी एक बुक थी ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, जिनमें इन्होंने ये सब कुछ एक्सप्लेन करने की कोशिश की। इन्होंने कहा कि नेचुरल सिलेक्शन की वजह से ही जो है ये एवोल्यूशन का प्रोसेस जो है कंप्लीट होता है। तो उन्होंने कहा कि जितने भी अलग अलग स्पीशीज बनी हुई हैं वो एक ही कॉमन एंसेस्टर से बनी है, बस वहां पे एवोल्यूशन के टाइम पे धीरे धीरे वो अलग अलग होती गई। और उन्होंने बोला नेचुरल सिलेक्शन होता है, उन्होंने बोला नेचर ने सिलेक्ट किया किसको मुझे लेके चलना है किसको नहीं। अब एंटार्क्टिका में जो सर्वाइव कर जाएगा, जो अडेप्ट कर जाएगा वो आगे चला जाएगा, वो जो स्पीशीज सर्वाइव नहीं कर पाएगी वो क्या हो जाएगी, एक्सटिंक्ट हो जाएगी, ठीक है जी। तो ये बेसिकली एक इसका वॉयज ऑफ HMS बीगल, ये एक शिप थी जिसके ऊपर बैठ के ये डार्विन जो है इस सब जगह पे गए थे। तो गैलापागोस आइलैंड से उन्होंने स्टार्ट किया ये सारा, इनका ये यहाँ पे इन्होंने किया था, ठीक है जी। तो इन्होंने क्या बताया, एज पर डार्विन, नेचुरल सिलेक्शन सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। नेचुरल सिलेक्शन इज सिंपली द लॉजिकल रिजल्ट ऑफ 4 फीचर्स, कौन कौन से, वेरिएशन जो चेंजेस होते हैं, इनहेरिटेंस पेरेंट्स से आने वाली चीज, पेरेंट्स जो हमें करेक्टर्स पास करते हैं, सिलेक्शन की कुछ चीजें सिलेक्ट हो जाएंगी कुछ नहीं, हर जो म्यूटेशन वेरिएशन अडेप्टेशन सिलेक्ट नहीं होगी और इस चीज को लगेगा टाइम। तो ये चारों चीजें कल्मिनेट होके नेचुरल सिलेक्शन करती हैं। जैसे यहाँ पे आपको एग्जांपल समझ आ जाएगी, ठीक है, देर आर 2 वेरिएशंस ऑफ बीटल्स, ग्रीन एंड रेड, दो तरह की वेरिएशन बीटल्स हैं। बर्ड्स जो हैं वो ग्रीन बीटल्स को खाते हैं, ठीक है, बर्ड्स जो हैं ग्रीन बीटल्स को खाते रहते हैं, रेड को कुछ नहीं कह रहे। तो होगा क्या अगर ग्रीन बीटल्स खाई जाएंगे, वो ओवर जनरेशन क्या होगा, रेड बीटल्स का नंबर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, है ना, क्योंकि ग्रीन बीटल्स तो खाई जा रहे हैं, रेड को कोई खा ही नहीं रहा, तो रेड बीटल्स का नंबर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो रेड बीटल्स क्या करेंगे, ज्यादा इनकी जो पॉपुलेशन होगी सर्वाइवल के चांसेस ज्यादा होंगे, और फिर कई सालों बाद एक ऐसा टाइम आएगा कि ग्रीन बीटल्स खत्म हो जाएंगे क्योंकि रेड बीटल्स प्रोड्यूस होते जाएंगे, ये जगह घेर लेंगे और रेड बीटल्स ही सिलेक्ट हो जाएंगे आगे चलने के लिए, ग्रीन बीटल्स जो हैं वो नहीं सिलेक्ट हो पाएंगे, ठीक है। तो ये जैसे जिराफ वाली एग्जांपल मैंने कहा था ना, हम आगे एक्सप्लेन करेंगे। तो ये इसकी जो नेक है वो लंबी क्यों हुई, तो एंसेस्टर्स जो थे ना जिराफ के, तो ऐसा नहीं है कि एक ही तरह की नेक थी, धीरे धीरे बड़े, तो उनकी ऐसे बड़ी छोटी नेक किसी की बड़ी होगी, जैसे हमारे केस में होता है किसी की हाइट छोटी होगी बड़ी होगी, तो वैसे ही इनके केसेस में भी जिराफ की जो नेक थी वो बड़ी छोटी थी एंसेस्टर्स की। और नेचुरल सिलेक्शन की वजह से, क्योंकि ऊपर जो ट्रीज की वजह से इनको जो बड़े लार्ज नेक्स वाले थे उनको ट्रीज एक्सेस करने आसान थे, तो नेचुरल सिलेक्शन की वजह से जो है लार्ज नेक्स जो है वो सर्वाइव कर गई और आगे जो है चली गई, शॉर्टर नेक्स वाले नहीं सर्वाइव कर पाए। तो नेचर ने सिलेक्ट किया, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे लग गया, ओके। तो ये वन एंसेस्टर हैज मेनी वेराइटीज, ये हमने अडेप्टिव रेडिएशन में देखा है ना। डार्विन फिंचेस, ये वही वाली बात, सीड्स इंसेक्ट जो हमने देखा। तो डार्विन जब गैलापागोस आइलैंड आए, उन्होंने देखा कि अलग अलग जो फिंचेस हैं, बर्ड्स हैं, सभी की अलग अलग बीक्स हैं अलग अलग आइलैंड के ऊपर, ठीक है। तो किसी आइलैंड के ऊपर फ्रूट्स थे तो उस हिसाब से इनकी बीक्स जो है मॉडिफाई हो रखी थी। अब ये हुआ क्यों, ये जो ये देखो, ये जो ये कॉन्टिनेंट्स अलग अलग हुए, जो कॉन्टिनेंट स्प्लिट हुए, तब जो है बेसिकली एनिमल्स जो है एक दूसरे से ऐसे सर्वाइव कर गए। नेक्स्ट आ जाता है एक्सटेंक्शन, ठीक है। अब ये स्पीशीज जो हैं, अगर हम ह्यूमन सेक्टर निकाल भी दें तब भी कुछ स्पीशीज बचेंगी, कुछ एक्सटिंक्ट होती जाएंगी, नेचर चूज करेगी। प्राइमरी रीजन इन्वायरमेंटल चेंज है, लेकिन अब हम देखते हैं कि जो एक्सटेंक्शन है वो सुनामी, वोल्केनो, ह्यूमन एक्टिविटीज, ओवर एक्सप्लॉयटेशन की वजह से बढ़ रहा है, ओके? तो ये कुछ स्पीशीज के नाम है जो रिसेंटली बेसिकली एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है, इनको देख लो एक बार, आपसे पूछ सकते हैं। और एक जो स्पीशीज है जो आपको स्पेसिफिकली पता होना चाहिए, एक स्पीशीज है ब्रेम्बल के मेलम्स, जो कि फर्स्ट मैमल है जो क्लाइमेट चेंज की वजह से खत्म हुआ है,
ओके. इट वॉज प्रीवियसली फाउंड ओनली ऑन द आइलैंड ऑफ ब्रेम्बल के इन ग्रेट बैरियर रीफ, लेकिन ये कह रहे हैं कि इसका जो हैबिटेट है ये सी लेवल राइज हो गया जिस वजह से ये खत्म हो गया. तो ये आपको किसी भी पेपर में पूछा जा सकता है, ब्रेम्बल के मेलम्स बहुत इंपॉर्टेंट है ये. ओके. उसके बिना और भी कुछ स्पीशीज हैं जो काफी स्ट्रेस में है ड्यू टू क्लाइमेट चेंज, उनके नाम पता होने चाहिए, जैसे चिनूक सामन. ओके. उसके बाद नॉर्थ अमेरिकन ट्री स्वेलोस, एंड देन यू हैव एंडेंजर्ड ग्रीन सी टर्टल्स, एंड देन वी हैव दिस कॉमन टोड टू ग्रीन टोड. ओके. और उसके बाद ये एक बेसिकली ना आर्टिकल है हिंदू का, तो ये 2019 का आर्टिकल है. इसमें जो इंडिया में रिसेंटली एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं स्पीशीज ना, उनके बारे में बताया गया है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो बी 18 स्पीशीज हैं प्लांट्स और एनिमल्स की जो इन्होंने कहा है कि BSI ने कि एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं इंडिया में से. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रखोगे ये सारे. ठीक है. मैमल्स में चीता, सुमात्रन राइनोसेरोस, पिंक हेडेड डक, ठीक है, हिमालयन कोयल, ये एक्सटिंक्ट डिक्लेयर कर दिए गए हैं इंडिया में से. रिसेंट रिपोर्ट है ये, तो इसको भी आप जरूर देखो. ठीक है. अगर हम बात करें कि पुराने कुछ क्वेश्चंस आ रखे हैं डेजर्ट प्लांट्स की, क्या क्या अडेप्टेशन करते हैं ये, स्टोमेटा ओपन ड्यूरिंग डे, क्या ये सही है? नहीं. हमने पढ़ा ना स्टोमेटा जो है इनका नाइट को ओपन होता है. थिक क्यूटिकल यस, स्पाइन्स होते हैं यस, देन आंसर विल बी 2 and 3 B. ठीक है. तो ये लास्ट पेपर्स में आ चुका है. एलन रूल क्या था कि जो मैमल्स हैं कोल्डर क्लाइमेट के उनके शॉर्टर ईयर्स होते हैं, है ना. इन पोलर सी दे हैव अ थिक लेयर ऑफ फैट, उनकी बॉडी में फैट होती है, देन बोथ विल बी करेक्ट. ठीक है जी. तो आप भी इसको देखो 2-3 बार, कुछ भी इसमें नहीं समझ आया तो आप कमेंट करके बताओ मुझे, और इसको देखो, ये आपके सारे पेपर्स के लिए आपको काम आएगा. ओके.